हेलो एवरीवन, देखिए अब चैप्टर 10 करते हैं, हीरोन्स फार्मूला। क्लास 9th का है आपका ये। देखो हीरोन्स फार्मूला है क्या। देखो हीरोन्स एक जो था मैथमेटिशियन था, उसने एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक फार्मूला दिया था, ठीक है। तो वो है हीरोन्स फार्मूला। अब देखो ज़रा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो था इस तरीके से, अगर आपके पास क्वेश्चन हो कि ये एक ट्रायंगल है मान लो, ठीक है, इस तरीके से, और इसकी हाइट गिवन है आपको, क्या है, हाइट गिवन है, ठीक है, और ये है इसका बेस नीचे, ठीक है, और ये है साइड्स इसकी, ऑब्वियस सी बात है, तीन साइड्स हैं ट्रायंगल की, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। मान लो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसके लिए अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना, तो हमें फॉर्मूला पता है जिसमें आपके पास हाइट गिवन होती है ना, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मान लो बेस है इसका 2 सेंटीमीटर और जो हाइट है इसकी वो है 3 सेंटीमीटर, तो आप आराम से इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। 1/2 बेस कितना है 2 है और हाइट है 3, तो 2 से 2 कट गया, कितना आया ये 3, और इसके यूनिट क्या होंगे, ऑब्वियस बात है एरिया है, तो एरिया किसी भी चीज़ का एरिया जब निकालते हो तो जो इसमें गिवन, जैसे सेंटीमीटर गिवन है, तो ये सेंटीमीटर तो आएगा ही, साथ में स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर इसका आंसर होगा अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास गिवन है। लेकिन हीरोन्स का काम कहाँ आया, हीरोन्स फार्मूला का, जहाँ पर आपको हाइट गिवन ना हो। जैसे ये एक ट्रायंगल दे दिया आपको इसमें, लेकिन हाइट गिवन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपके पास, हाइट जो है वो अननोन है, ठीक है। तो उस केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो किस तरीके से निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि किसने दिया था आपको, हीरोन्स ने, ठीक है, जो मैथमेटिशियन था हीरोन्स। अब ये हीरोन्स फॉर्मूला तभी बोल रहे हैं इसको कि हीरोन्स ने दिया था, ठीक है। इसको नॉर्मली आप हीरोज फार्मूला भी बोल सकते हो, ठीक है। देखो पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ आपको क्या होता है। ये होता है आपके पास अंडर रूट, और यहाँ आता है एस, एस इज़ द सेमी पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रायंगल, और यहाँ आता है ये एस माइनस में ए। अब ये ए क्या है, देखो जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है ए बी और ये सी, मान लो इसकी साइड ए हो गई, इसकी ये बी हो गई और इसकी ये सी हो गई, साइड्स हैं ये, ठीक है। तो एस हो गया सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर एस अगेन, फिर माइनस साइड, फिर अगेन सेमी पेरीमीटर माइनस में, फिर साइड दूसरी ले लो बी ले लो ये, ठीक है, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस में सी, ये है कहानी, ठीक है। तो ए बी सी क्या है, इसमें साइड्स हो गई और जो एस है वो क्या है, सेमी पेरीमीटर है, एस इज क्या है, सेमी पेरीमीटर। देखो पहले तो आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए ट्रायंगल का क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल द साइड्स करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। तो सेमी पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ, क्लियर है इतनी बात या नहीं बता दो जरा, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो पेरीमीटर निकाल दो, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका साइड्स का सम, तो यानी कि ए प्लस में बी प्लस में सी और डिवाइड बाय 2 अगर कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, क्या इतनी बात समझ में आई। तो यानी कि जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो कब लगता है, जब आपके पास जो है हाइट गिवन ना हो। अगर हाइट गिवन है और साइड्स हमें पता है तो ऑब्वियसली बात है हाइट पता है और एक साइड जो नीचे वाली होगी बेस वाली वो लेंगे और हम आराम से उसका ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हाइट गिवन नहीं है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैं अभी इसमें एग्जांपल भी लूँगा एक, ठीक है, तो इस केस में फिर क्या लगता है आपका, हीरोन्स फॉर्मूला लगता है वो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका निकलता है। तो हीरोन्स फॉर्मूला है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आप निकाल सकते हो इसकी हेल्प से, और इसको क्या बोलते हैं हम, ये वाला जो होता है क्या बोलते हैं इसको हम, हीरोन्स फॉर्मूला तो बोलते ही हैं, ठीक है, और हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है, अगर आप बुक में पढ़ोगे, ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में तो वहाँ ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो वहीं से ही मैं आपको समझा रहा हूँ ये सारी कहानी, क्लियर है इतनी बात समझ में आई, बताओ इजी वे में, है ना, बुक में तो देख के पता नहीं चलता लेकिन फिर भी इजी वे में। अब जैसे इसी क्वेश्चन में जैसे मैं एग्जांपल लूँ यही जो है हमारा ट्रायंगल है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसमें मैं एग्जांपल में कहानी क्या ले रहा हूँ, ए को मैं 40 ले लेता हूँ, ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर ले लो, ठीक है, मीटर ले लेते हैं, चलो जो बुक में लिखा हुआ है मीटर ले लेते हैं, तो 40 मीटर ये ले लेता हूँ, और बी मैं इसमें 24 मीटर ले लेता हूँ, और सी मैं इसमें 32 मीटर ले लेता हूँ, ये है, ठीक है। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो अब ये तो नहीं लग सकता फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू में हाइट वाला, बी क्या है हमारे पास, बेस है, और एच क्या है यहाँ पर, हाइट है, तो ये तो नहीं लग सकता फॉर्मूला, तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाएंगे, क्लियर है इतनी बात या नहीं बता दो।
अब देखो जरा, जब हीरोन फॉर्मूला हम लगाते हैं तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, लेकिन इसमें एस क्या चाहिए हमें, इसमें सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइड्स का सम डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस में 24 प्लस में 32 एंड डिवाइड बाय 2। अब देखो जरा इनको ऐड करो यहाँ पर, जरा देखो 40, 24 और 32 ऐड करो, 4 और 2 कितना हो गया 6, 4 और 2 6 और 3 कितना हो गया 9, 96। तो 96 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करो इसको, आता है करना डिवाइड बताओ, 96 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 दा 8, 1 और 6 2 8 दा 16। क्लियर? देखो मैं आपको डिटेल में समझाता चलूँगा सब चीज़ें, ताकि जिन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम है मैथ्स में वो भी ना रहे, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 48, 48 मीटर में, ठीक है जी, जो ये चीज़ चल रही है उसी में ही आएगा, क्योंकि ये तो पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स का सम, तो सम अगर हम कर रहे हैं तो वही यूनिट रहेगा जो यहाँ पर है, और उसका हाफ कर रहे हैं तब भी वही यूनिट रहेगा, तो सेमी पेरीमीटर इस तरीके से निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, एस एस माइनस में ए, एस माइनस में बी एंड एस माइनस में सी। ये हमने ए मान ली थी, ये वाली हमने बी मान ली थी, और ये वाली सी मान ली थी, ठीक है ना, पता है ये सब। तो यहाँ पर देख लो अब हम क्या करेंगे, एस कितना आया है हमारे पास, 48, तो 48 यहाँ अगेन, और ए कितना है 40 है, फिर 48 माइनस में 24 आ जाएगा, और फिर 48 माइनस में सी कितना है हमारे पास, 32 है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये कर दिया, तो इसको मैं यहाँ पर ही करूँ ताकि ये चीज़ दिखती भी रहे आपको, ठीक है, या फिर ऊपर ही चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं। देखो ज़रा मैं अगेन ये लिख लेता हूँ, क्या है एरिया में क्या आया हमारे पास, ये 48, 48 माइनस में 40, 48 माइनस में 24 एंड 48 माइनस में 32। अब देख लो इनको ज़रा, सिंपल है, 48 ये हो गया, 48 में से 40 माइनस करोगे तो 8 आएगा, फिर 48 में से 24 माइनस करोगे तो 24 ही आएगा, ठीक है, और 48 में से 32 माइनस करोगे अगर आप तो ये आपके पास 16 आएगा, ठीक है। अब देखो ज़रा इनमें हम करते क्या, हमें पता है ना दो दो के पेयर अगर बन जाए अंदर सेम चीज़ के, तो वो एक चीज़ बाहर आ जाती है स्क्वायर रूट से, पता है या नहीं पता है। देखो जैसे हम 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम क्या करते थे, इनके फैक्टर करते थे इस तरीके से, 2 8 दा, फिर 2 2 से करेंगे 2 4 दा, फिर 2 2 दा एंड दिस। तो हम इस तरीके से करते थे, अगर रूट 16 है तो 16 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2 2 2 2 इस तरीके से लिख दिए, और फिर इनके पेयर लेते थे, एक बाहर 2 आ गया और इधर से भी एक 2 बाहर आ गया, इसी तरीके से करते थे हम स्क्वायर रूट में, और ये 4 जो है 16 का स्क्वायर रूट क्या आ गया था, 4 आ गया था, इस तरीके से कर सकते थे। अब 16 को मैं इस तरीके से भी कर सकता था, देखो 16 है ना, तो मुझे पता है कि मैं इसको 4 इंटू 4 करूँगा तब भी 16 होगा, तो 4 इंटू 4, अब ये देख लो पेयर बन रहा है ना पूरा, तो इसमें से एक सिंगल भी तो निकाल सकता हूँ मैं बाहर इस तरीके से, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, ये इस तरीके से ना करके, अगर मुझे पता है 4 4 दा 16 होता है तो इस तरीके से कर लो, नहीं तो ऐसे फैक्टर्स लोगे तब भी यही आंसर आएगा। लेकिन अब आप बड़े हो रहे हो तो आपके लिए ईजी होनी चाहिए चीज़ें, है ना, मतलब आपको इतनी तो समझ में आई रही होगी बात कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो ज़रा अब यहाँ पर जब हम करेंगे तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं, ये देखो ये है हमारे पास 48 है, ठीक है। अब 48 देखो ज़रा किसी टेबल पे आता है बताओ, 6 8 दा होता है, 6 8 दा, तो मैं इसको अगर 48 को 6 8 दा कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, और ये 8 है ही है यहाँ पर, मैं अभी बता रहा हूँ कि 8 को क्यों नहीं छेड़ा मैंने, क्योंकि यहाँ 6 इंटू 8 आ गया तो ये पेयर बन गया ना हमारा, तो एक सिंगल बाहर आ जाएगा। 24 को भी देखो ज़रा हम क्या कर सकते हैं, 8 इंटू में 3 कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ 8 3 दा 24, और 16 को क्या कर सकता हूँ मैं बताओ, 4 4 दा भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ 8 आ रहा है, देखो एक तो पेयर 8 का ही बन रहा है, 8 एक एक 8 ये वाला 24 को 8 3 दा 24 भी कर सकता हूँ, या 3 8 दा, तो ऐसे कर दिया। तो अब 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 8, तो उससे क्या होगा, ये 8 वाला भी हो जाएगा। अब नहीं तो अगर आप इस तरीके से चलोगे ना, तो पहले 48 के प्राइम फैक्टर्स लो, फिर 24 के, फिर 8 के, फिर 16 के, वो सारे लिखना ऐसे, क्योंकि वो तो सब प्राइम नंबर्स में ही आपके जो होंगे वो आएंगे, या नहीं समझ रहे हो, तो बहुत लंबे लंबे चलेंगे फिर आपके। तो इसको ईजी देखो ना, फॉर्मूला तो सिंपल है ये, ठीक है, मेन क्या है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, वही मैं आपको यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो 48 का 6 8 था हो गया, ये 8 सिंगल ऐसे ही उतारा, 24 का 8 3 था और 16 का 2 8 था, प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएंगे, कहीं सोचो कि 8 को क्यों नहीं किया, अब जब मुझे यहाँ पता चल गया 6 8 था ये होता है, ठीक है, और बाकी आगे तो मैं फर्दर इसको कर ही सकता हूँ ना, लेकिन जितना हो सक रहा है उतना तो कर सकते हो।
सिक्स एट था और ये एट ऐसे ही लिखा क्योंकि इसके साथ पेयर बना रहा है। फिर 24 का देखा मैंने कि 8 3 24 होता है, ठीक है चलो लिख दिया इसको, क्यों क्योंकि मैंने यहाँ देख लिया था पहले कि 8 2 16 बनेगा तो ये वाला जो है इसके साथ पेयरिंग करेगा। तो देखो ज़रा यहाँ से अगर हम देखें तो 8 का तो हो गया काम पूरा का पूरा, और ये 6 का भी 2 3 लिखूंगा ना तो ये भी पेयर बन जाएंगे इसके साथ। तो देखो ज़रा सब जगह पेयरिंग होगी। देखो अगर मैं 6 को 2 3 लिखूं और 8 × 8 तो है ही है ये, ठीक है, और ये 8 × 3 है और ये 2 × 8 है। अब देखो ज़रा यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, ये 2 का पेयर इसके साथ बन गया तो मैं एक सिंगल 2 लिख दूँ, ये 3 का इसके साथ बन गया मैं एक सिंगल 3 लिख दूँ, स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे ऐसे ही, ये पेयर बन रहा है तो इसको भी सिंगल लिखूंगा, फिर ये इसके साथ पेयर बन रहा है ये इसको भी सिंगल लिखूंगा, इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। सिंपल नहीं हो गया बताओ? तो 3 2 6 6 8 48, 48 को अब 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 48 को 8 से करो, 8 8 बताओ कितना होता है 64, 8 4 32 और 6 कितना हो गया हमारे पास 38 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 384, और यूनिट क्या बनेंगे, अब ये जो साइड्स थी मीटर में थी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया इसका। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बता दो, क्लियर है इतनी बात बताओ। अब देखो जैसे आपको बुक में आप देखोगे ना, ये ना वेरीफाई भी किया हुआ है, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ जो समझाया हुई है वहाँ पर चीज़, मैं वही आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो अगर आपने पाइथागोरस का नाम सुना है क्या, बताओ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो जो है लगती है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता ही है जिसमें एंगल 90 डिग्री का होता है इस तरीके से, ठीक है, ये है एंगल 90 डिग्री का, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये होगा आपका बेस, ठीक है, और जो 90 डिग्री होता है ना उस एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटनीस होता है, और जो थीटा होता है कहीं पर भी अगर थीटा गिवन हो, वैसे तो यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम परपेंडिकुलर इसको भी मान सकते हैं इसको भी मान सकते हैं, लेकिन हमें इतना पता है छोटी क्लासेस से कि बेस नीचे वाला होता है, तो हम यहाँ पर बेस इसको ले रहे हैं और परपेंडिकुलर इसके इसको ले रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर थीटा यहाँ गिवन होता ना, थीटा अगर थीटा यहाँ गिवन होता तो ये वाला परपेंडिकुलर बनता, समझ रहे हो, तो बेस ये बन जाता बेस, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और 90 डिग्री है ये, और ये परपेंडिकुलर क्या होती है, हाइट होती है एक तरह से, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो ज़रा इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो ये वेरीफाई करती है, ये चीज़ कैसे करती है, तीन साइड्स हैं ये, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, लेकिन अगर किन्हीं दो का स्क्वायर करें और सम करें वो तीसरे के किसके इक्वल आए स्क्वायर के। अब देखो ज़रा मुझे पता है ऑब्वियस आता है, दो का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो तीसरे के इक्वल आ रहा है, तो दो तो छोटे होंगे एक बड़ा होगा, तो यहाँ पर बड़ा कौन सा 40 40 है, तो 40 को अगर मैं करूँ स्क्वायर करूँ तो ये 1600 आएगा, 40 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे ना जब, तो करके देख लेना 1600 आएगा, वैसे ईजी होता है 4 4 16 और 2 0 हैं तो 2 0 ही हो गए, ठीक है। और फिर जो है हमारे पास 32 और 24 है, ठीक है, इनके स्क्वायर करो, 32 का स्क्वायर करेंगे तो 32 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 2 3 6 3 2 6 एंड 3 3 9 दैट इज़ 4 और 6 12 और 9 कितना हो गया, ये हमारे पास एक 10 हो गया, ये 1024 हो रहा है 1024। ये मैं कर क्या रहा हूँ, 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ये किया मैंने 32 का स्क्वायर प्लस, अब हम यहाँ पर बेस कितना, हम बेस क्या कह रहे हैं, हम 24 बची ना एक साइड, तो 24 का स्क्वायर करेंगे। तो ये सिर्फ मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ क्या, कि अगर हम ये प्रूफ कर पाए यहाँ से कि ये चीज़ इक्वल है तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है पाइथागोरस की, एक साइड का स्क्वायर दूसरी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है ना। तो मैं फिर आपको 1/2 बेस इंटू हाइट से भी एरिया निकाल के दिखा दूंगा इसका, आ रही है बात समझ में या नहीं, बता दो, बताओ आ रही है या नहीं। देखो अब ज़रा ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक, तो 24 का स्क्वायर कर दो फिर, 4 4 16, ठीक है, 4 4 16, 4 2 8 और 1 कितना हो गया 9, 2 4 8, 2 2 4, 6 7, 17 हो गया ना, और ये 5 5 7 6 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा, अगर आप देखोगे ये चीज़ इक्वल टू, अगर इसमें हम 5 7 6 ऐड करें तो ये
सिक्स और फोर टेन, सेवन और एट नाइन और एक टेन, फाइव और ये सिक्स और ये वन, देखो 1600 ही आ रहा है। तो इसका मतलब यानी कि यहाँ पर मुझे इतनी बात पता चल गई कि ये जो 32 और 24 है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है और बेस है, ठीक है। तो मतलब परपेंडिकुलर है और बेस है, मतलब ये है परपेंडिकुलर कितना है, मान लो यहाँ ये 32 हो गया और बेस कितना हो गया 24 हो गया, क्लियर। तो देखो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम सिंपल निकाल लें 1/2 बेस इंटू हाइट से, तो 1/2 इंटू बेस कितना है इसका 24 हो गया, और हाइट कितनी है, ये परपेंडिकुलर को ही हाइट कहते हैं 32। तो ये देखो 2 1 2 2 32 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 32 को 12 से, तो 2 2 4, 2 3 6 और ये 32, तो 4 6 7 8 और ये देख लो वही आंसर आ रहा है 384 मीटर स्क्वेयर। लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं होगा कि 1/2 बेस इंटू हाइट मान के आप कर दोगे, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पर इससे भी यही आंसर आया, ठीक है, क्योंकि अगर किसी की हाइट है गिवन, ठीक है, और सभी आपको क्या है साइड्स पता हैं, ठीक है, तो आप चाहे हीरोंस फॉर्मूला से निकाल लो चाहे इससे एरिया ऑफ ट्रेंगल से निकाल लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, हमें ये नहीं पता था कि ये राइट एंगल ट्रेंगल है या नहीं है, लेकिन हमने एक चीज़ देखी इसमें कि हाँ इससे आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्रेंगल। लेकिन फिर जो मैंने आपको पाइथागोरस वाली कहानी बताई, ये एक्स्ट्रा में थी बात, ये पूरी की पूरी सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए थी। क्या थी ये, कि हाइपोटनिस का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। हाइपोटनिस का स्क्वायर, हाइपोटनिस सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो इसमें हमने ऐसे वेरीफाई करके देखा कि ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने क्या देखा कि 40 बड़ी साइड है, ठीक है, इसको हाइपोटनिस मानो, बाकी दो को बेस या परपेंडिकुलर मानो। अब देखो बेस और परपेंडिकुलर में भी कहानी क्या आती है कि इसको परपेंडिकुलर क्यों मानना, इसको बेस क्यों मानना, ठीक है। अब देखो ज़रा सिंपल सी बात है, मैं 32 चाहे यहाँ लिख देता चाहे यहाँ लिख देता कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट है ना, होना तो इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई ही है, इधर रखो चाहे इधर रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर थीटा की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसके जो इक्वल टू में है वो क्या है, बेस और परपेंडिकुलर है। तो बेस और परपेंडिकुलर का क्या है, सम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हम इसको परपेंडिकुलर माने इसको बेस माने कि क्या करें, मतलब जैसे कि यहाँ पे है ना आपके पास गिवन है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 24 है ये 32 है, समझ पा रहे हो मेरी बात, कि मैंने इसको 24 को ही बेस क्यों लिया या 32 को ही परपेंडिकुलर क्यों लिया। मैं ये कह रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको चेंज कर सकते हो, आप यहाँ 24 लिख दो या 32 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें थीटा तो पता ही नहीं है ना, यहाँ भी नहीं पता भी कौन सा किसके सामने है कि हाइपोटनिस पता चल गया, और वैसे भी इस क्वेश्चन में तो है ही कुछ नहीं गिवन हमें, ठीक है ना। वो तो मैंने आपको वैसे बताई थी बात कि थीटा अगर कहीं गिवन है, अगर यहाँ थीटा गिवन है तो उसके सामने वाला क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो जो बाकी साइड बचेगी वो बेस होती है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटनिस होता है। आ रही है बात समझ में, बहुत डिटेल में होगी बात लेकिन ये नॉलेज वाली बातें आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये 24 और 32 चाहे यहाँ लिखो 32 चाहे यहाँ 24 लिखो, आंसर में कोई चेंज होने वाला नहीं, इसलिए हमें ज़्यादा जोर नहीं देना कि बेस क्या है परपेंडिकुलर क्या है, क्लियर है इतनी बात या नहीं। पाइथागोरस के क्वेश्चंस में भी हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होती कि परपेंडिकुलर बेस में हमें कैसे पता चले कि परपेंडिकुलर कौन सा है बेस कौन सा है, ठीक है। तो इसलिए ही नहीं होती कहानी इतनी ज़्यादा जानने की ज़रूरत, क्योंकि इधर दोनों क्या हैं प्लस में है, बस जो बड़ी जो साइड है ना वो हमें हाइपोटनिस लेके चलनी होती है। यहाँ पर भी यही किया मैंने, बड़ी साइड को हाइपोटनिस ले लिया, बाकी दोनों को मैं कुछ को किसी को भी कुछ मान लूँ, बेस मान लूँ इसको, परपेंडिकुलर इसको मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हो जाएगा, क्लियर है। बताओ समझ में आया। तो यहाँ पर बस कहानी आपको ये बतानी थी मुझे क्या, कि अगर हाइट गिवन है ना, ठीक है, जैसे कि हाइट हमें ये पता चल गई कि इसमें परपेंडिकुलर है हमारे पास, ठीक है, तो फिर मैं कर सकता हूँ, समझ रहे हो, फिर मैं एरिया इस तरीके से निकाल दिया तब भी देख लो आंसर सेम आ रहा है, और हीरोन से निकाला था तब भी एरिया था। मतलब कहने का मेरा क्या है, आंसर थोड़ी हम वेरी कर सकते हैं कि नहीं ये फॉर्मूला हमने लगाया तो इससे ये होना चाहिए इस वाले से, अगर हमें ये पता चलेगा कि हाँ भाई इसमें हाइट हमें पता चल गई इस तरीके से, तो मैंने सोचा कि एरिया निकाल के देखते हैं, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने बेस इनटू हाइट वाला लिया है उससे देखा, तो उससे भी हो गया, ठीक है। अब मैं आपको जो कहानी समझा रहा था कि बेस क्या है हाइपोटनिस क्या है, तो यहाँ पर अगर आप बेस इसको मान लोगे और परपेंडिकुलर इसको मान लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी बेस इनटू में हाइट है, यानी कि वो जो परपेंडिकुलर है वही है ये हाइट, समझ रहे हो। तो ये भी मल्टीप्लाई में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में कोई चीज़ कहाँ रखी है आपने, ठीक है जी, क्लियर हो गई होगी। जिनको समझ में आई है अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो और अच्छी बात है, ठीक है, मत समझो इस बात को, ठीक है जी, इतना ही समझ लो।
ठीक है, कहानी समझ में आई। अब देखो, अब इसमें मैं छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, अब अगर यहाँ हो पाते हैं तो देखो मैं करने की कोशिश करता हूँ। देखो क्वेश्चन आपकी बुक में ही एग्जाम्पल नहीं कहूँगा मैं, उसमें थ्योरी जब समझाते हैं ना तो वहीं पर ही लिखा हुआ है कि जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गिवन आपको, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है आपको, साइड है उसकी कितनी 10 सेंटीमीटर की, तो आपको इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर, तो मुझे इतना तो पता चल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है दिखाई दे रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इतना तो पता चल ही रहा है हमें ये, ठीक है। इक्वल साइड्स हैं, यानी कि इक्विलेटरल का मतलब ये होता है तीनों साइड इक्वल हैं, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो मुझे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालना है तो फॉर्मूला तो मुझे पता ही है, एस एस माइनस में ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी। ये मान लो इसमें ए है, ये बी है और ये सी है, तो एस क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया 30, 30 और डिवाइड बाय 2 करेंगे, सेमी पेरीमीटर है तो 30 बाय 2 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। अब इनको यहाँ पर रखो ज़रा देखो, 15 15 माइनस 10 और फिर 15 माइनस बी भी 10 है क्योंकि, और फिर 15 माइनस में 10 ये आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, अगर आप देखोगे तो ये 15 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5 है ना, 15 माइनस 10 कितना होता है, इतना होता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से मुझे इतना पता चल रहा है कि ये तो पेयर बन रहा है एक, यहाँ पर अगर हमें पेयर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इस 15 को भी क्या करूँगा 5, 3 15 लिखूँगा और बाकी तो ये 3 5 है ही है ना, तो हमारे पास हमारी कहानी ईजी हो जाएगी। ये तो बन ही रहा है एक पेयर, एक इसके साथ बन जाएगा, तो ये सिंगल लिखेंगे, ये वाला सिंगल हो गया, ये वाला एक सिंगल लिख दिया, और 3 का कुछ बन ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो इसको हम स्क्वेयर रूट में ही रखेंगे, तो 5 5 25 √3 और क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वेयर में हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। क्या बताओ समझ में आई कहानी, इजी है ना, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं हम इसको। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा, आइसोसेलेस, यहीं करके दिखाऊं, चलो देखते हैं यहीं पर ही। एक आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है जी, और आइसोसेलेस के अंदर आपके पास जो गिवन है, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो पता है ना क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, जैसे मान लो ये वाली दो साइड इक्वल है, ठीक है, तो ये अनइक्वल साइड हो गई, ये तो अनइक्वल साइड जो है आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और इक्वल साइड्स जो हैं, है ना, दो इक्वल साइड्स होती हैं, वो कितनी गिवन है हमारे पास 5, ठीक है, तो मान लो ये 5 है, ये 5 है, ये 8 हो गई, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रही बात, सिंपल सी कहानी है, क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हमें पता ही है एस इसका निकल जाएगा क्या, सभी का सम डिवाइड बाय 2, तो 5 5 10 और 8 कितना हो गया 18 बाय 2 कितना आ गया 9, और ये किस में है हमारे पास गिवन सेंटीमीटर में ही है, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में आ गई, क्लियर। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर निकाल के अगर मैं दिखाऊँ इसके लिए, तो हमें फॉर्मूला पता है एस एस माइनस ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी, ये पता है हमें, है ना, तो एस कितना है हमारे पास 9 है, तो 9 माइनस में अगर मैं मान लो इसको ए मान लूँ, ठीक है, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, तो 9 माइनस में कितना है ए, है ना, तो ए 8 हो गया, ठीक है, और एक और एस यहाँ पर था, तो ये कितना है 9, ठीक है, और फिर 9 माइनस में 5, और फिर 9 माइनस में 5, क्योंकि बी और सी कितने हैं इसमें 5 5 में, तो देखो सिंपल हो जाएगा ये 9 इंटू में ये 1, ये 9 माइनस 5 करोगे तो 4, और 9 माइनस 5 करोगे तो 4, देखो ये सिंपल बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, सिंगल 4 लिखो, और 9 को जब मैं 3 इंटू 3 लिखूँगा तो पेयर बन रहा है, तो 3 का बनेगा, तो मैं 3 लिख दूंगा, तो 3 4 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ किया हुआ, ये सिंपल सी बात है, समझ में आई होगी आपके, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन वाली कहानी थी, अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, और इंट्रोडक्शन में आपको ये क्लियर हो गई होगी बात कि जो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हमारे पास हाइट नहीं है तो हम किससे निकालते हैं, हीरोंस फार्मूला से निकालते हैं, सिंपल सा फार्मूला है, बस सॉल्व करने के आपको
मेथड बताया मैंने कि कैसे हम सोल्व कर सकते हैं इसको इजी वे में। ठीक है, अब एक्सरसाइज टाइप स्टार्ट करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है, बताओ आया समझ में ये सब, इजी है या नहीं है बताओ। इंट्रोडक्शन में ही वैसे तो आपकी सारी कहानी हो गई है इसमें। ठीक है, चलो करते हैं फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट। ओके, थैंक यू।